हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज SCO, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट, रिमेन विद मी। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। It was started in 1996 by 5 countries, but it fully started its work in 2003. ये start में 1996 में जो है इसको start किया गया, और जो 5 countries थे उसने इसको start किया। जो उन्होंने initiative लिया वो इसके पहले जो member थे वो 5 countries थे, लेकिन जो था इसका जो fully इन्होंने काम start किया, जो अपने ये working condition में आई वो 2003 में आई। यानी इसने 2003 में अपना फुली जो है वो काम स्टार्ट किया। ये फंक्शनल हुई 2003 में। इट इज इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 5 कंट्रीज थे इन्होंने अपने दरमियान एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका जो एक मकसद था, जो एक इनका स्टार्ट में इनकी बेस थी, जो एक वजह थी, जो पर्पस था, वो ये था कि सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके ऊपर काम किया जाए। तो ये एक मेंबर्स जो थे उनकी गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। इट इज इम्पोर्टेंट रीजनल अलायंस। ये एक बहुत ही अहम मखसूस और बहुत ही अहमियत का हामिल एक रीजनल जो था अलायंस था। ये एक रीजन जो था वो आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलके जो पहले 5 कंट्रीज थे उन्होंने मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद था सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके ऊपर वर्क करना। इट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सियासी, माशियाती और सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें जो थे सियासी मामलात को डिस्कस किया जाता था, मौशी मामलात को डिस्कस किया जाता था, और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो तमाम तर मसाइल थे, जो इश्यूज थे, उनके ऊपर जो है वो बातचीत की जाती थी, इनिशिएटिव लिए जाते थे, फंक्शंस किए जाते थे, स्टार्टअप लिया जाता था। इट्स जीडीपी इज $15 trillion। इसकी जो टोटल, ये जो 5 कंट्रीज थे और बाद में जो 8 कंट्रीज पर मुबनी ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनकी जो मौजूदा जो करंट जो है अपना जीडीपी वो है $15 trillion। ये एटलीस्ट $1500 करोड़ जो इसकी जीडीपी बनती है। इट लेड टू यूरोशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल पॉइंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मौजूदा दौर में यूरोशिया की तरफ लेगी। यूरोशिया दो जो वर्ड्स हैं उनका ये एब्रीविएशन है, यूरो एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया जो दो कॉन्टिनेंट थे उनको मिलाने का इसने काम दिया। ये एक बुनियाद बनी, यूरोशिया इसको कहा जाता है, जिसमें दो जो कॉन्टिनेंट हैं एशिया और यूरोप, उन्होंने मिल के आपस में इतिहाद किया, वर्क किया, फंक्शंस किए और एक प्रोग्रेस की तरफ इन्होंने अपना जो है सफ़र शुरू किया। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से रशिया ने स्टार्टअप लिया, और एशिया के जो तमाम तर कंट्रीज थे जिनमें ये 8 कंट्रीज है जिनका मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि वो पहले 5 कंट्रीज कौन से थे और जो नेक्स्ट जो 3 इसके मेंबर बने परमानेंट वो कौन से हैं। तो इन 8 जो कंट्रीज थे परमानेंट मेंबर जो हैं, इन्होंने मिलके एक जो स्टार्टअप लिया जिसके पीछे इनका सियासी, माशी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मामलात थे वो इन्होंने डिस्कस करने थे। तो ये यूरोशिया की तरफ ले गए। इस जो अपना कंबाइंड सिस्टम बना, जो इनका आपस में अलायंस बना, इसको यूरोशिया का नाम दिया गया। इट हेल्प टू रिड्यूस टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने इस जो मजहबी इंतहा पसंदी है और ये जो दहशतगर्दी, हम इसको ख़त्म करेंगे, और इन्होंने इसमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। देर आर 8 परमानेंट मेंबर्स। इसके जो मुश्किल मेंबर्स हैं वो 8 हैं, स्टार्ट में 5 थे, लेकिन 2017 और 2003 में वो जो 3 मेंबर्स थे वो इसका हिस्सा बन गए, और नाउडेज इसके परमानेंट जो मेंबर हैं वो 8 हैं। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द टॉपिक शंघाई 5। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 बाय 5 कंट्रीज। इसका जो स्टार्टअप लिया गया वो 1996 में लिया गया, और जो इनके इनिशिएटिव कंट्रीज थे वो थे 5।
नंबर वन पे चाइना, नंबर टू पे रशिया, नंबर थ्री पे ताजिकिस्तान, नंबर फोर पे कजाकिस्तान, नंबर फाइव पे किर्गिज़िस्तान। ये पांच जो मेंबर्स हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये फाउंडर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसको सबसे पहले जो है शंघाई फाइव का नाम दिया जाता था। ये जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो पहला नाम था वो शंघाई फाइव था, लेकिन 2003 में इसको जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि इसके जो पांच कंट्रीज थे उसमें तीन और जो है वो शामिल हो गए, जो परमानेंट मेंबर शामिल हुए, और इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया बजाय के शंघाई फाइव के। और वो जो तीन दूसरे मेंबर इसमें शामिल हुए वो हैं उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। 2001 में जो उज़्बेकिस्तान था उसने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसका परमानेंट मेंबर बन गया, और जो है 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसके परमानेंट मेंबर बन गए। तो 2017 तक जो है इसके 8 मेंबर बन गए, और इन नाउ डेज जो हैं परमानेंट जो मेंबर हैं वो 8 ही हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट जो है इसके ऑब्जर्वर मेंबर जो हैं और जो डायलॉग मेंबर्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर करूंगा। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द ऑब्जर्वर मेंबर्स ऑफ SCO एंड डायलॉग मेंबर्स ऑफ SCO। ऑब्जर्वर मेंबर्स आर 4 मेंबर्स। अब बेसिकली जो ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जर्वर मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम भी इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हिस्सा हों, उनकी दिली ख्वाहिश है कि हम इस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका हिस्सा बन जाएं, और इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो सर तोड़ एफर्ट्स हैं कि हम जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन ये अभी तक इसका मेंबर नहीं बने हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ जो है दिली तमन्ना है और सिर्फ ये ख्वाहिशमंद हैं कि हम जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाएं। तो वो कौन से मेंबर्स हैं जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं? नंबर वन पे है अफगानिस्तान, नंबर टू पे है ईरान, नंबर थ्री पे है बेलारस, और नंबर फोर पे है मंगोलिया। लेकिन 2021 में SCO ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया मिलके बैठ के कि हम जो है ईरान को परमानेंट मेंबरशिप दे दें, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। लेकिन जो है 2021 में इसको इसमें शामिल करने का एक फैसला दिया गया, एक तजवीज़ दी गई है। नाउ वी विल डिस्कस द डायलॉग मेंबर्स। डायलॉग मेंबर्स जो होते हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ डायलॉग सिर्फ किए जाते हैं, वो इसका मेंबर ना तो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं और ना ही जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ बातचीत की जाती है उन मसाइल के ऊपर जो इन ममालिक जो मैंने 6 जो इधर कंट्रीज मैंने लिस्ट दी है उनकी, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायलॉग कर सकते हैं। किन मामलों के ऊपर? अगर इन जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ कोई अगर इश्यू हो, अगर कोई मसला हो, अगर कोई मामला हो जिसके ऊपर कोई बातचीत करनी हो, तब जाके इनको जो है SCO में शामिल किया जाता है और फिर इनसे डायलॉग किया जाता है उस मामले के ऊपर जो इन जो 6 कंट्रीज हैं इनके रिलेटेड अगर कोई हो मामला, कोई बातचीत हो करनी हो, तो फिर इनको बुलाया जाता है और उसी मामले के ऊपर डिस्कस करके उनको फारिग कर दिया जाता है। ये भी परमानेंट मेंबर नहीं है। और ये जो डायलॉग मेंबर 6 हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन पे है आर्मेनिया, नंबर टू पे है अजरबैजान, नंबर थ्री पे है कंबोडिया, नंबर फोर पे है नेपाल, और नंबर फाइव पे है श्रीलंका, एंड लास्ट वन इज तुर्की। ये तमाम तर जो 6 कंट्रीज हैं ये सिर्फ डायलॉग मेंबर्स हैं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त बातचीत की जाती है जब इनके साथ कोई मामला दरपेश हो। उसके अलावा इनको जो है SCO में ना तो इन्वाइट किया जाता है और ना ही उसकी सबमिट में वो शामिल होते हैं। इन दिस स्लाइड we will cover the comparison between NATO and SCO. SCO is a deterrent to NATO. जो शंघाई कोऑपरेशन है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये नेटो का डिटेरेंट है, यानी कि ये एक मद्दे मुकाबिल है, उसके सामने आके खड़ी होगी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो है SCO को ये कंसीडर किया जाता है कि ये नेटो का डिटेरेंट है, मद्दे मुकाबिल है इन नाउ डेज। It considers that NATO is organization of West, whereas SCO is organization of East. इसको ये भी ख्याल किया जाता है कि जो NATO है वो मगरबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगरब की ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि जो SCO है वो ईस्ट की यानी कि मशरक की ऑर्गेनाइजेशन है। NATO was a deterrent of USSR, whereas SCO is deterrent of
नेटो, नेटो जो था इसने यूएसएसआर जो है, जो 15 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी पावरफुल थी, इसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता था। इसमें 15 कंट्रीज जो थे, जो माशी लिहाज से बहुत ज्यादा तगड़े थे, पावरफुल थे, वो इसका मेंबर थे। तो जो नेटो बनाई गई उसको इसलिए बनाया गया कि वो इसका डिटेरेंट बनी, और जो है उसने यूएसएसआर को जो है तोड़ के रख दिया, और नेटो जो है वो दुनिया की एक अजीम तरीन पावरफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी। तो जो नेटो थी वो यूएसएसआर की डिटेरेंट थी, लेकिन जो एससीओ है नाउ डेज, करंट जो अफेयर्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, उसमें एससीओ जो है वो नेटो की डिटेरेंट बन के उभरी है। इट वॉज अ वार ऑफ टू आइडियाज, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को जो है वो मैं पिछले जो टॉपिक है यूएसएसआर का और जो नेटो का है वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया है ब्रीफली, लेकिन मैं यहां भी बताता चलूं, जो कैपिटलिज्म है और जो कम्युनिज्म है, स्टार्ट में ही जो है ये एक ऐसे दो आइडियाज थे जो दो तंजीमों, जो दो ममालिक सुपर पावर्स जो थी, दो उनके दरमियान ये आइडियाज जो थे, इन्होंने ही वार का एक सिलसिला स्टार्ट किया। तो कैपिटलिज्म जो था इसमें ये होता है कि तमाम तर जो ओनर्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, चाहे वो इंडस्ट्रीज के हों, चाहे किसी भी काम के हों, वो सारा का सारा फायदा या नुकसान उनका ही होगा। उनको अगर किसी चीज में फायदा होता है तो वो उनका होगा, और अगर नुकसान होता है तभी उनका होगा, लेकिन वो हर साल या एक लिमिट के तौर पर, लिमिट के बाद वो जो है गवर्नमेंट को महसूल यानी टैक्स अदा करेंगे, चाहे उनको नुकसान हो चाहे उनको फायदा हो। तो वो ममालिक जो ऐसा नज़रिया रखते थे, जो ऐसी गवर्नमेंट्स थी उनको कैपिटलिस्ट कहा जाता था, और जो ऐसे ममालिक थे जहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो ये सोचती थी कि तमाम तर जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की है और जो लोग हैं वो ओनली वहाँ पे वर्क करें और अपनी तनख्वाह लें और अपने आप का उसी तनख्वाह में गुजारा करें, जो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं, तो वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ कहलाती हैं, कम्युनिस्ट ममालिक कहलाते हैं। तो ये जो था नेटो ये कैपिटलिस्ट थे, और जो एससीओ है या यूएसएसआर थी ये कम्युनिस्ट थे। तो इनके दरमियान इसी आइडिया के ऊपर जो है वो एक वार स्टार्ट हुई, जो कभी नेटो बन जाती है, कभी एससीओ बन जाती है, कभी यूएसएसआर बन जाती है। तो जब भी कभी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो वो दो नज़रियात जो आपस में मुख्तलिफ होते हैं उनके ऊपर लड़ाई होती है, उन्हीं के ऊपर जंग होती है। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस ऑन द पर्पजेज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके जो मकासद हैं वो क्या हैं। सिंस इट वॉज स्टैब्लिश इट फोकस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी इशूज, रीजनल टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जब से ये स्टैब्लिश हुई, जब से ये मर्ज वजूद में आई, जब से इसकी जो है बुनियाद रखी गई, इसका जो एक मेन फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो रीजनल सिक्योरिटी है, जो मसाइल हैं रीजनल मसाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको ख़त्म किया जाए। जो रीजनल टेररिज्म है, जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो एक मजहबी इंतहा पसंदी पाई जाती है जो कि आजकल का बहुत ज़्यादा जो है वो एक इशू बना हुआ है, जैसा कि इस्लामोफोबिया को बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर के लेवल पे लाया गया ताकि जो है दीन इस्लाम उसको बदनाम किया जा सके। तो ये जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी उसको ख़त्म किया, इसका फोकस ये था कि हम इन तमाम जो मसाइल हैं जो करंट सिनेरियो में आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। इट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन स्पेशली। एससीओ का जो सबसे बड़ा और अहम जो फोकस था वो तमाम तर जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे उनके जो मसाइल हैं, सबसे पहले जो माशी उनको ख़त्म करना और सब मिल के गेट टुगेदर होके जो बाकी कंट्रीज हैं उनके जो माशी मसाइल हैं उनको ख़त्म करना, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना ताकि जो माशियाती मसाइल हैं, जो माशी मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकें। इट फोकस्ड ऑन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरनल पीस एंड ब्रिंग द पीपल ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म। इसने जो सबसे ज़्यादा अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ की वो एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट का जो ज़राए आमदोरफ्त का जो सिलसिला है उसके ऊपर जो इसने ज़्यादा फोकस किया, एनर्जी के जो मसाइल थे उनको ख़त्म करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो थी, जो माहौलियाती आलूदगी का एक जो मसला बन रहा है, जो आजकल के सिनेरियो में जो फॉग का मसला बन रहा है, सांस का मसला बन रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वायरमेंटल जो है मामलात, जो हमारी कंजप्शन होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो धुआं वगैरह जाके हमारी जो एक प्रोटेक्शन ले रहती है जिसको ओजोन कहते हैं उसको ख़त्म कर देती है,
उसको ख़त्म कर देती है, तो जो डायरेक्ट उसकी जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ होती हैं वो ज़मीन के ऊपर आके जो बशिंदे हैं ज़मीन के उनको जो है वो अपना ह्यूमन लाइव्स जो हैं उनको ख़त्म कर देती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो माहौलियाती मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया, इनिशिएटिव लिए, इंटरनल पीस एंड ब्रिंग द पीपल ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, जो अपना मामलात थे जो अमन व अमान के उनको जो इसने कायम किया और लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर तमाम तर जो लोग हैं वो आकर एक इक्वल लेवल के मुताबिक अपनी जो हैं मामलात डिस्कस कर सकें, बहसों बस हो सके, और इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। नाउ वी विल डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस स्लाइड में हम कवर करेंगे कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसने क्या क्या जो है वो गोल अचीव किए, क्या क्या उसने अपने जो है वो मकासद जो है वो हासिल किए और किन किन में वो कामयाब हुआ। इट फाइटेड अगेंस्ट रीजन सिक्योरिटी इश्यूज। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसने टॉप लिस्ट पे जो है वो काम किया वो ये था कि जो रीजनल जो इसके मेंबर्स थे उनके जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे, जो मसाइल थे, उनको इसने ख़त्म किया, उनके खिलाफ लड़ी और उनके खिलाफ जो है वो एक डिटेरेंट के तौर पर खड़ी हुई और एक जो है दीवार के तौर पर उसने इसका सामना किया और जो है इसके जो रीजनल जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे उनको ख़त्म किया। इट फाइटेड अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इसने सेकंड नंबर पे जो अचीवमेंट हासिल की वो ये थी कि पूरे रीजन में जो इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का जो इशू चल रहा था जो कि पूरे अरूज पे था उसको ख़त्म किया, उसके खिलाफ जो है इसने बहुत ज़्यादा अपना जो है फाइट की, रेजिस्टेंस पैदा की और जो टेररिज्म और जो मजहबी इंतहा पसंदी उसको ख़त्म किया। इसका जो एक पर्सपेक्टिव था टेररिज्म का और जो मजहबी इंतहा पसंदी का उसको उसने जड़ से उखाड़ दिया। इट टाइड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रीज इनटू इंटरनल ऑर्डर। इसने तमाम तर जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे या जो अपना ऑब्जर्वर कंट्रीज थे या जो डायलॉग कंट्रीज थे जो इसके मेंबर्स बनना चाहते थे, जिन जिन से इसका ताल्लुक था, इसने उन तमाम के साथ जो है उनको सब लोगों को जिनकी अपनी अपनी एक हिकमत अमली थी, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के हामिल जो ममालिक थे उनको उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा असूल दिया, एक ऐसा कानून दिया जिसके तहत वो सब के सब एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए। इट बिल्ड अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। तमाम तर जो अपना कंट्रीज इसके साथ रिलेटेड थे SCO के साथ या SCO का जिनके साथ कंसर्न था, जिनके साथ इसके रिलेशनशिप थे उनको तमाम को इसने जो है पॉलिटिकली और मुआशी तौर पर इसने अपने आप के अंदर जम किया और उनको बिल्डअप किया, उनको ग्रो अप करने में उनकी मदद की और उनको जो है एक लेवल पे लेकर आया कि वो दुनिया के सामने उभर कर आए। नाउ वी विल डिस्कस पाकिस्तान एंड SCO, वो एक दूसरे के लिए जो कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं या जो SCO है जो पाकिस्तान उसका मेंबर बना है तो इसके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है और ये पाकिस्तान को कितना हेल्प आउट कर सकती है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पाक इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज। पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो हैं मसाइल सिक्योरिटी के उनको ख़त्म करने में ये उसकी अपना हेल्प कर सकती है, उसको हेल्प आउट कर सकती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशंस। पाकिस्तान जो है इन नाउ डेज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है अपना उससे बुरी तरह मुतासर हो चुका है तो पाकिस्तान को बिल्डअप करने के लिए इकोनॉमिक लिहाज से जो है SCO वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके लिए बड़ी ही वो मददगार साबित हो सकती है और इसको जो है वो हेल्प आउट कर सकती है ताकि जो पाकिस्तान है वो गुरबत के दहाने से निकलकर एक अमीरी की तरफ, एक प्रोग्रेसिव होने की तरफ जो है वो गामजन हो सके।